शुरू में एक बात बोलूंगा, लंडे के सामान के ऊपर टैक्स माफ हो चुका है। लंडे का सामान पहले सस्ता होगा, सोलर पैनल हमें सस्ते मिलेंगे, बैटरीज वगैरह सस्ती मिलेंगी, लेकिन ये वीडियो कंप्लीट इसी के मुतालिक बना रहा हूँ। क्या एक छोड़ेंगे? क्या हमें एक के ऊपर टैक्स माफ होगा या हम तीन लेके आ रहे हैं तीनों के ऊपर माफ है? मैंने जितने लाए सबके सब क्या बना, वीडियो देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम परदेसी भाइयों के लिए। जी आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा क्या मोबाइल टैक्स माफ होगा या कम हो गया, या भाई जितने मर्जी लाए अभी। अच्छा यकीन कीजिए, अगर आज से 5 साल पहले की बात करें ना, हम तकरीबन 5 साल ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो पाकिस्तान में अगर किसी खातून के हाथ में एक अच्छे वाला मोबाइल बोल रहे हैं इस टाइप का बड़े डिस्प्ले वाला होता था ना, तो वो ये हमारे कुछ बंदों का लाइव तजर्बा था। एक जो सऊदीया से आते थे, वाइफ के लिए तो लाजम लेके जाना है, बाद में जब सऊदीया में वापस जाना है तो व्हाट्सएप के ऊपर या इमो वगैरह के ऊपर हमने लाइव वीडियो कॉल भी तो करनी होती थी। अच्छा जी, वो बंदे बोलते थे कि पाकिस्तान में अगर किसी, आज से 5 साल पहले की बात कर लें, किसी खातून के हाथ में अगर इतने बड़े डिस्प्ले वाला कोई मोबाइल होता था ना, तो समझ जाते थे इसका जो मियाँ है ना, या भाई या इसका बाप, ज़्यादातर मियाँ यानी कि ज़्यादातर खामंदी सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ है या मगेतर, ठीक है, उसने भेजा है, क्योंकि पाकिस्तान में अफोर्ड दुनिया नहीं करती थी। अच्छा अभी तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भाई अफोर्ड करती है, महंगे से महंगा मोबाइल रखती है। वीडियो में बात ये करेंगे मोबाइल टैक्स के मुतल्लक। नंबर एक, ठीक है जी, ये लावा का मोबाइल है और चलता है जी माशाल्लाह, लेकिन इसमें कैमरा नहीं है। आप देख लें, ये फिंगरप्रिंट है, बैक साइड ये ऊपर नॉच दी हुई है, लेकिन कैमरा नहीं है, ठीक है। नंबर दो ये जी, ठीक है, ये वीवो V23। और नंबर तीन है जी ये, ठीक है, ये मोबाइल एक। अच्छा एक नंबर फोर पर भी था, मैंने वो किसी कज़न को अपने को भेज दिया, वो सऊदीया मैंने बनीपाल के मार्केट से लिया, उसकी वीडियो भी मैंने उस टाइम शेयर की थी 100 रियाल में, HTC M9+ गुड था पाकिस्तान में, मुझसे तो ठीक हुआ ही नहीं वो, उसका रीस्टार्टिंग का मसला था अपने कज़न को। ये क्यों बता रहा हूँ बात सुन लें। नंबर सिक्स, ये जो मोबाइल चल रहा है, ठीक है जी, इनमें से एक मोबाइल मेरा ये वाला वीवो V23, ये पाकिस्तान से मैंने लिया था, ये चल रहा है जी, अभी लिया है तकरीबन, ये 6 माह हुए हैं, इसकी वीडियो मैंने शेयर की। बाकी 1, 2, 3 ये जिससे वीडियो बन रही है, नंबर 4 जो मैंने दे दिया सबके सब बंद। एक वाईफाई डिवाइस हवावे वालों की मैंने ली हुई थी वहां से 300 रियाल में, वो भी बंद कर दी, वो तो मोबाइल नहीं था ना, उसमें सिम बस वो भी शक्कर जी, वो भी नहीं चलेगी 90 दिन के बाद। अच्छा बात वीडियो में ये करूंगा मोबाइल टैक्स के मुतालिक, मेरी ये तमाम चीजें बंद हो चुकी, अभी तक बंद जा रही हैं। अभी बजट 2024 आ चुका है, क्या उसमें कोई किसी किस्म का ऐसा ऐलान किया गया है जिसके तहत सऊदी अरेबिया से हम S23 या iPhone 14 Pro Max या S22 Ultra वगैरह ऐसा कोई मोबाइल लाएं तो उसके ऊपर भाई 1 लाख रुपए टैक्स मांग लेते हैं PTA अप्रूव्ड वाले, 1 लाख अराउंड में, कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, तो भाई किधर से दें? हाँ छुट्टी है, मैं 60 दिन की 90 दिन की, उतने दिन चलेगा ठीक है, बाद में जाओ, फिर दोबारा उतने दिन चलेगा, फिर चलेगा ही नहीं वो, पहले 60 दिन 90 दिन होते हैं। अच्छा तो अभी क्या आप मोबाइल लाएंगे यहाँ पर चलेगा, या बजट में कोई किसी किस्म की इसके मुतल्लक रिलीफ दी गई है? तो भाई सुन ले, बजट 2024 में ये कहा गया है कि लंडे का सामान सस्ता होगा, कल मैं देख रहा वो भी इम्पोर्ट है, वो भी बाहर से आता है, लंडे का सामान सस्ता होगा, आप शूज लंडे में जो कुछ भी आ जी, लेकिन कोई भी ऐसी लग्जरी आइटम, अब मिसाल के तौर पर आप वहां से लेके आते हैं जी कोई लैपटॉप वगैरह अच्छे वाला, तो या आप मिसाल के तौर पर या मोबाइल ले आते हैं कोई अच्छे वाला, या कोई सस्ते वाला ही चाहे ले आए, भाई मोबाइल तो इस उम्र में सारे ही आएंगे, तो कोई भी लग्जरी आइटम जो बाहर से आप इम्पोर्ट करेंगे या अपने साथ लाएंगे पाकिस्तान में, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और पहले से भी ज्यादा देना पड़ेगा जी। पहले अगर मिसाल के तौर पर एक मोबाइल के ऊपर हमसे 20,000 मांगा जाता था, अभी 24,000 होगा या शायद इससे भी ज्यादा हो, तो मोबाइल टैक्स के मतलब कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप खबर सुन रहे हो तो वो फेक है, एक मोबाइल छोड़ दिया, नहीं भाई नहीं, वो भी नहीं छोड़ते हैं, सबके सब बंद, सबके सबका टैक्स पे करेंगे तो फिर ही चलेंगे।